अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम ए एम एस सी को लेकर आरएल यानी कि रिजल्ट लेट। एक इशू आ रहा है स्टूडेंट को, रिजल्ट्स में जब आप लोग रिजल्ट चेक करते हैं तो आप लोगों के जो रिजल्ट है उसके अंदर ऐसे आरएल आ रहा है। ठीक है, इसका अगर एब्रीवेशन आप लोगों को मैं बताऊँ तो आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेट। अब ये देखें, स्टूडेंट है, इसके बाकी सारे सब्जेक्ट पास हैं, एक सब्जेक्ट में उसका जीरो मार्क्स लग के आगे आरएल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका रिजल्ट अभी लेट है, यानी कि ये रिजल्ट आप लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी खुद ही आप लोगों का जो पेपर है वो चेक करके आपका रिजल्ट जारी कर देगी। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से आप लोगों का इस सब्जेक्ट का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 7 से 10 दिन लग जाते हैं रिजल्ट लेट वाले इशू को पंजाब यूनिवर्सिटी ठीक करते हुए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नहीं ठीक करना होता, यानी कि ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। वो खुद ही इस इशू को ठीक करके आप लोगों का जो रिजल्ट है न्यू वो अपडेट कर देगी। ठीक है, या फिर जो आपके रिजल्ट कार्ड आएंगे आप लोगों के घरों में वो कम्प्लीट होगा और वहाँ पर आर एल का इशू भी ठीक हो जाएगा, इंटरनेट के ऊपर भी जो अपलोड होगा वो आप लोगों का इशू ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है रिजल्ट लेट है, कुछ इशू है जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया है। इस सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का, जो भी आपका लिखा हो आरएल, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आप लोगों का अभी रोक लिया गया है, बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी खुद ही आप लोगों का ये वाला इशू ठीक करके दोबारा आप लोगों का रिजल्ट अपडेट कर देगी। तब जब ये दोबारा रिजल्ट अपडेट होंगे तब भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।